कितनी बार बोला है नहीं खाऊंगी, कभी नहीं कभी नहीं। आप इस तरह से मुझे क्यों परेशान करते हैं? आपसे बोल दिया ना? नहीं नहीं, तुम्हारी हंगर स्ट्राइक की तो हमें बिल्कुल परवाह नहीं है, और तुम खाती हो या नहीं खाती ये भी जानने की जरूरत नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आए? अंडमान जाने का बोलती थी ना, वही बात करने आया हूँ। आपने तो बोला था कि मेरा जाना मुश्किल है। अरे वो तो उस वक्त कहा था। फिर अगले जहाज से? हाँ कोशिश कर सकता हूँ मैं। आप क्या पाँव पकड़ते हो साहब, आप किसी तरह वहाँ भेजने का बंदोबस्त कर दीजिए। हाँ कर दूंगा, लेकिन पहले ये जानना चाहता हूँ मैं, वहाँ तुम जाना क्यों चाहती हो? क्या वहाँ तुम्हारा कोई है जो जिम्मेदारी उठा सके? कौन जिम्मेदारी लेगा? ओहो बेशक न ले जिम्मेदारी, लेकिन तुम्हें कोई जानने वाला तो होना चाहिए। हाँ है। कौन है, कहाँ रहता है, उसके साथ तुम्हारा संबंध क्या है? वो है बस एक कैदी। कैदी? चलो साहब आप तो मेरे पिता समान है, अभी आपको सब बताती हूँ, आप मेरे जाने का बंदोबस्त कर दीजिए। आपसे सब कहती हूँ, सब कहती हूँ। लो ये दूध पी लो। अब बताओ तुम्हें क्या कहना है। हाँ अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। मेरा बचपन का एक साथी था घनादा, और वो हमारे गांव नवद्वीप में घनश्यामदा कहलाता था। जब दोपहर को सब घर वाले सो जाते थे तो मैं चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती थी। हम दोनों होते थे और गांव की सड़कें। तुमसे बार बार मैंने कहा है चुड़ैल कि मुझे बताए बिना कहीं ना जाओ, उन्हें आ लेने दो आज, तुम्हारी खैर नहीं या मेरी नहीं। चलो चलो बस अंदर। उफ, क्या बेटी है भगवान। बेईमान कहीं का कोई काम नहीं, सारा दिन पेड़ों पर लंगूर की तरह कूदता है और तुम्हारे लिए सौ सौ बातें सुननी पड़ती है मुझे। अब तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगा, कल ही मौसी के पास भेज दूंगा। बेचारे की माँ तो थी नहीं, नवद्वीप चाचा घनादा को मौसी के घर छोड़ने के लिए चले गए। मेरा बचपन का साथी मुझसे दूर, बहुत दूर चला गया। देखो देखो मंकिन साहब, भला कौन है ये? अजी अपने नायब साहब अनंत सेन, उनकी बेटी तारा। बात सुंदर। ओ खूब।
देखो भाई, लगान तो तुम्हें देना ही होगा। तुम जमीन से फायदा उठाओ और लगान न दो, ये तो जायज बात नहीं। और फिर तुम पर जबरदस्ती या जुल्म नहीं किया जाता। हाँ, बस तुम खुद ही अपने दिल से पूछ कर देखो कि मैंने ठीक कहा है या मैं। चंबी, ओ चंबी, उफ, इससे मेरा नाक में दम है। इतनी बड़ी हो गई पर इसे अकल छू तक नहीं गई। मास्टर साहब कितनी देर से आए बैठे हैं? जाओ पढ़ो मरो जाओ, जा। मास्टर साहब जी, कहिए। तारा बिटिया पढ़ाई में कैसी है? अजी पढ़ती तो है। अच्छा, पर पढ़ती कब है? वो तो दिन रात शरारतों में लगी रहती है। तारा इधर आओ, तो कुछ कहना है, आओ। यहां से पढ़ो। अरे तुम जगदीश बाबू के अमरूद के पेड़ पर चढ़ी थी? उफ, इससे तो तंग आ गई मैं। लोगों की बातें सुनते सुनते तो मैं तंग आ गई हूँ। सुनो, उस दिन घोष की बीवी ने सैकड़ों बातें सुनाई। अब ये कोई बच्चा तो नहीं, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन शाम को बत्ती जलाना तक नहीं सीखा। जाओ पढ़ने जाओ, पढ़ने जाओ, पढ़ो जाकर जाओ। ओहो, आप ही ने तो इसे बस लाड प्यार से बिगाड़ डाला है, ब्याह क्यों नहीं देते? नवद्वीप चाचा। हाँ? क्यों, आप कैसे हो? काफी अच्छा हूँ, काफी अच्छा। बेहतर हो ना? हाँ। चुम्मी, चुम्मी। चुम्बी को क्यों पकड़ा? चोरी करने का मकसद था ना? मैंने, तुम पकड़ नहीं सकती इसलिए पकड़ लिया। मैं नहीं पकड़ सकती थी तो भी तुमने इसे क्यों पकड़ा? ये लो बाबा। चक्रवर्ती बाबू, मानिक गांव का आज तक का सारा हिसाब चाहिए। बाबा। हाँ बेटी। बड़े सरकार। कौन? ओ नवदीप, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? अजी कल घना आ गया। अच्छा, तुमने कहा था एक बरस के बाद वो मैट्रिक पास कर लेगा फिर आएगा। जी हाँ, यही तो मैंने सोचा था हुजूर, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो फिर कौन सुनता है। आओ रे घना, आओ। अच्छा तो तेरा लड़का तो बहुत बड़ा हो गया है। चोरे, ऐसे क्यों खड़ा है घना? हुजूर को प्रणाम कर। अरे ठीक है ठीक है, शाबाश, बढ़िया सेहत है तुम्हारी, काम कर लोगे जो मिले तो।
कैसे नहीं, आज से ये आप ही के चरणों में है, अब तो आप इससे चाहे जो काम ले सकते हैं। ठीक है ठीक है। चक्रवर्ती बाबू, घनश्याम को अपने दफ्तर में आज से काम पर रख लो। अच्छा, जाओ घनश्याम, जरा मौसी से भी मिलाओ। तारा बेटी, घना को माँ के पास तो ले जाओ। अरे घनादा, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। चलो माँ। क्या है? बस बस ठीक है। नहीं पहचाना ना? अपना घनादा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। घनश्याम, तू कितना बड़ा हो गया है रे। हाँ, अंदर ले जाओ, जब तक मैं स्नान करके आती हूँ। अच्छा आ। नहीं, ये नहीं होगा भैया, जानते हुए तो मैं ऐसी बेइंसाफी नहीं होने दूंगा। तो हमारी ही चीज हमें नहीं मिलेगी, ये क्या बात है? तो फिर आपकी चीज होगी तो आपको मिलेगी। आपके और नटवर की जमीन पास पास है, नटवर मर चुका है। उसकी मौत के बाद आप अगर जमीन की सीमाएं बार बार बढ़ाते जाएं, तो फिर नटवर की बेवा अनाथ बच्चों को लेकर कहां जाएगी, बताइए? किसने गढ़ी ये सब कहानी? नटवर की बीवी आई थी और हमारे आदमी भी जगह देख आए हैं। झूठ बात, जो मेरा है वही ले रहा हूं मैं, क्यों? ठीक है ना? जी ठीक है। नटवर जिंदा होता तो तुम लेते बेशक। जगदीश सुनो, कल सवेरे मैं खुद दोनों की जमीन के कागज देखूंगा, जमीन मापूंगा और सीमाओं का फैसला कर दूंगा। मैं भी साथ चलूंगा, हमेशा के लिए डंडा खत्म कर देंगे। चार उंगल जमीन के फैसले के लिए अब आपको मेरी जमीन के कागज चाहिए? ये तो बात का बतंगड़ हो रहा है। मच्छर को मारने के लिए गोली चला रहे हैं आप? आप तो मच्छर नहीं है राय भैया, आप तो ठहरे बंगाल के शेर। ओह, तो सीधी तरह से फैसला करने की नीयत नहीं है आपकी, समझ लो। अच्छा चलो 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 चलो। कौन? अरे राय साहब, आइए आइए। नमस्कार नमस्कार दरोगा साहब। साहब, कुछ जरूरी बात करनी थी। लेकिन अभी तो जरा बाहर जाना है। हाँ, आप भी चलिए नारंगी नहीं देखने। अपने को माफ कीजिए साहब, अपने को पीने का ऐब नहीं। ये देखो, ये पीने के साथ ऐब का लफ्ज बुरा है, बोलो पीने का शौक। जी। बड़ा दिल रखना चाहिए राय साहब, मन खुला होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं साथ नहीं दे सकूंगा, और हमें तो सुगंध ही से तय हो जाती है। साहब, आज एक बहुत जरूरी बात करना थी। तो बोलते क्यों नहीं? हुजूर, नायब अनंत सेन हमारी जद्दी पुश्ती जमीन पटवारी से नपवा कर किसी दूसरे के नाम पट्टा करना चाहता है। कुछ भी हो, मैं ये जाति नहीं होने दूंगा। कल सवेरे वो लोग वहां आएंगे। तो अर्ज ये है हुजूर, कल सवेरे अगर आप कहीं दूर तशरीफ ले लिए जाएं, तो बस उसे देख लूंगा। लेकिन सोच समझकर कदम उठाना मिस्टर, नायब साहब भी कोई ऐसा मामूली आदमी नहीं। जी, वो तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इस गांव में आपके आशीर्वाद से अपनी पहुंच भी कोई कम नहीं। हाँ, ये लीजिए। वाह, तुमने तो झटपट निकाल दिया। अच्छा, दोपहरा जानते हो? जी हाँ। अच्छा तो वहां जाओ और कालू सिंह को यह खबर दो कि यहां पहुंचे। अच्छा तो मैं जाता हूं। क्या शानदार मुकाबला था, दूर शहर से बड़े बड़े तैराक आए हुए थे। फिर क्या हुआ? तो फिर सेक्रेटरी बाबू ने ये कहा मुझसे, घनश्याम, तुमने अगर इस वक्त हमारा मान ना रखा तो मर गए हो। तो फिर क्या हुआ घना भैया? तो फिर Thank you.
फर्श आ गया। सेकी बाबू ने पूछा, कुछ खाओगे? मैंने बोला खाऊंगा, लेकिन पेट भर के खाऊंगा। तुम्हें इतना खिलाया? हाँ, लेकिन वो खुद ही शर्मा गए। क्यों? उन्होंने सिर्फ एक बकरी पकाई थी सबको खिलाने के लिए, वो मैं अकेला ही खा गया। और फिर 2 से रसगुल्ला, 40 राजभोग। 40? हाँ 40। आखिर भाभी आकर बोली, तेवर जी हमें आज क्षमा करो। भाई मान लिया, तुम तो हो पूरे भीमसेन। अच्छा एक दिन देख लूंगा कि तुम कितना खाते हो। हाँ घना, एक काम करना होगा, कल सवेरे ही तुम्हें जाकर मानिक गांव के तहसीलदार बाबू को एक नहायत जरूरी चिट्ठी देनी होगी। हाँ, और उस चिट्ठी का उत्तर हर हालत में कल ही चाहिए। फिक्र न करो, चिट्ठी में तुम्हारे खाने वाने का लिख दिया जाएगा। ये मन सुने, ये मन वो ही रे गाए बंधुरे हो। इच्छा मती रे
क्षमत नदी तुम क्या चाहो बोलो ना, दोनों रे डोले डोले आओ रे डोलो ना। क्षमत नदी तुम क्या चाहो बोलो ना, दोनों रे डोले डोले आओ रे डोलो ना। बोलो चाहे डूब के मरूं तुम्हारे तले बंधु रे, ये मन डोले बोले क्या रे कोई जाने, जल भरा मेघ ये बिलखे प्यासा, ये मन सुने ये मन वो ही रे गाए बंधु रे। देर क्यों कर दी, कब से खड़ी रास्ता देख रही हूँ। क्या बताऊँ, वो मुझे खिलाना चाहते थे, सो देर हो। अच्छा पेटू बाबा, याद है काशी गांव जाकर आज मच्छी पकड़ना था ना। अरे हाँ, चलो चलो चल। जरा ठहरो, हम आ रहे हैं। आओ ए आओ। देख कितनी सुंदर मछलियां हैं ना। घनदा देख देख ना। समझ में नहीं आता कि क्या करूं बहन। देखो इतनी बड़ी हो गई है मगर इसे अकल तो नाम को नहीं। इनसे मैं लाख कहूं पर कोई असर नहीं। इन्हीं के तो लाड और प्यार से ये लड़की बिगड़ रही है। शुरू से ही तुम्हें होशियार रहना चाहिए था। गांव वाले बहाने ढूंढते फिरते हैं, एक बहाना चाहिए उन्हें तो बस फौरन राई का पहाड़ बना लेते हैं बहन। तारा कहां जा रही हो। जरा बाहर जाती हूं मां। नहीं, रोज रोज बाहर जाना ठीक नहीं, आज घर में रहना होगा। ये लो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वक्त हो गया है, वो स्कूल से वापस आ गए होंगे। ठीक है। ए बैठो, नहीं तो दीदी मारेगी। मिन्नी चलो घर नहीं जाना बेटे, चलो। चले दीदी। अच्छा आना है। घनश्याम आज बाहर नहीं जा सकते, उसकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हो गया बोला ना, वो ठीक नहीं है।
राय साहब के लिए दवा तैयार कर दो। अच्छा जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब चलिए फौरन चलिए। क्यों? तारा की तबीयत खराब हो गई है। तू जा, अभी इन दोनों को देख कर आऊंगा। नहीं आप इसी वक्त चलिए। क्या मुसीबत, देखते नहीं ये भी कैसी तकलीफ में है, इन्हें भी तो देखना है। तारा बीमार है तो फौरन जाना ही चाहिए आपको। क्या बोले? नहीं बाबा हम तुमसे कुछ नहीं बोले, तुमसे कुछ नहीं बोले। ओ हरिनाथ हमारी दवाई बना दी क्या समझे? बस यही पापी तारा। हाँ। क्यों रे तारा, क्या हुआ है? क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इस समय? तारा कहाँ है, क्या हुआ है उसे? किसे? ये क्या, तुम्ही ने बुलाया था ना, क्या हुआ है तारा को? कौन बुलाने गया था? वो आपका घनश्याम। हमने बोला था अरे बाबा हाथ का काम पूरा तो करने दो, लेकिन उसने सुना नहीं और मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। कैसी है तारा? नहीं ऐसी कुछ बीमारी नहीं है उसे, यूं ही सर्दी वर्दी हो गई थी। यही मैंने कहा था, घना ये बात ठीक नहीं समझ पाया। तो भूल है, हमें वो बोलता तो नहीं आते। करते क्या है, कहते क्या है, कुछ पता नहीं। घना या सुना नहीं, या आओ। बैठो हमारे पास बैठो। क्या हुआ है रे? अब मैं यहां नहीं रहूंगा बाबा। क्यों? मौसी की आज सोदास हो गया क्या? नहीं। तो फिर? अब तो इस नौकरी में दिल नहीं लगता बाबा। दिल नहीं लगता तो फिर आया क्यों? आप ही ने तो बुलाया था ना। जरूर बुलाया था मैंने घना, जिस घर में तेरे बाप दादा जिंदगी भर काम करते रहे हैं उस घर में तेरे लिए भी कुछ करना चाहता था मैं। बाबा अभी तो जाके पढ़ूंगा। पढ़ो ना, तुम यहाँ काम भी करो और पढ़ाई भी करो, तब तो पास होना मुश्किल है। पास होने से क्या होगा बेटा, उस घर में रहना और काम करना, बिल्कुल घर के बन के रहना। जाओ बेकार बातें ना करो, तुम्हारा खाना ढककर रखा हुआ है, जाओ। मुझे बताओ क्या हुआ है बेटी? कुछ नहीं। आज बाहर नहीं गई ना? नहीं बाबा, क्या होगा रोज रोज बाहर जाने से। पर हाँ कानू मीरा नजर नहीं आते, कहाँ है वो? दोनों घनादा के साथ झील पर गए हैं। तुम भी तो जा सकती थी। नहीं, जवान बेटी का रोज रोज बाहर जाना ठीक नहीं। इस तरह से बेकार गर्म क्यों होती हो, वो तो बचपन से जाती है बाहर, है ना? अजी शिकायतें सुनते सुनते तो कान पक चुके। अच्छा भाई बाहर न जाने दो उसे, लेकिन वो झील के किनारे पर तो जा सकती है और वहां कानू मीरा भी तो होंगे। क्यों? छी, तुम्हारी जो खुशी है तुम वही करोगे। जाओ जाओ एक चक्कर लगाए आओ, जाओ। मगर जल्दी से वापस आ जाना। दीदी तू झूलेगी? नहीं रे। देखो ना दीदी, छोटी दीदी मुझे एक बार भी झूलने नहीं देती। आओ कानू दे ना, जरा उसे एक बार झूलने दे। जा
डॉक्टर बाबू को लाकर मुझसे भूल हुई है ना? जाने दो, अब कलकत्ता चली जाऊंगी मैं, ये जगह अब अच्छी नहीं लगती। क्यों? यहाँ हर बात मना है, ये ना करो वो ना करो। भैया के पास गई तो कोई बंधन नहीं, अब वहीं जाकर रहूंगी मैं। ओ, ये बात है, वहां तो बहुत मजा होगा। चिड़ियाघर, जादूघर और थिएटर, बाइस्कोप, क्या कुछ नहीं है। खानदा, देखो कितने सुंदर फूल हैं वहां। कैसी हो मीरा, तुम्हारा क्या हाल है कानू? क्यों, कैसा है हमारा गांव? सुंदर। वाह भाई, बहुत ही शानदार। ओह, ये मेरी बहन तारा, ये मेरा दोस्त आलोक है। जानती हो, आलोक ने आज तक गांव नहीं देखा। हाँ, इसीलिए तो यहां चला आया मैं। बीरेश, वो कांटे कितने अच्छे लगते हैं। आलोक कविता लिखता है। ओह सचमुच, वो पढ़कर सुनाएंगे ना मुझे? नहीं, मैं क्या लिखूंगा। अच्छा सुनाऊंगा। हाँ हाँ सुनाएगा, चलो चलो चलो। बच्चों, कोई गड़बड़ की है ना? नहीं। ये मामा, भैया आ गए। माँ कहाँ है? माँ जी आ गई, आ गई मेरी माँ। कितनी अच्छी है मेरी माँ। कैसी हो माँ? बहुत अच्छी हूँ। हाँ आलोक, हमारी माँ को प्रणाम करो। जीते रहो बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई सफर में? ओ मामा, तो जरा मुझसे पूछो, इसे क्या, सारा रास्ता इसे संभालता ही रहा। अच्छा बाबा, अच्छा तुम अंदर चलो, खाने का प्रबंध करती हूँ। मुझे ऐसा भूख लगी है, जल्दी करो। अच्छा ए तारा, इसे अंदर ले जाओ, मैं आता हूँ। जाओ जाओ। नमस्कार मोना दादी, कैसी हो? अरे बेटा, अपने जीना मरना एक सा है, अब तो किसी तरह से आंखें मूंद लूं। ओ, जरा तुम्हारा हाथ देखूं। नहीं नहीं, ये नहीं, वो। वाह वाह, 100 बरस 3 दिन उम्र लिखी है, इससे पहले नहीं जा सकती। खैर छोड़ो, तुम्हारे गांव की क्या खबर है? अपनी खबर कोई नहीं लेता है, तो फिर औरों का हाल क्या जानूं मैं? वो क्यों, तुम तो जिंदा अखबार, फिर गांव की खबर कैसे नहीं? इधर आओ। हुजूर, पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी गन्ने के खेत पर गए। वापसी का कुछ बताया था? हाँ बताया था, 12 बजे आएंगे। ठीक है। निताई, तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? क्या चाहिए बाबू? स्नान घर। वो किस लिए चाहिए बाबू? नजदीकी नदी है, इतना सुंदर घाट है, वहाँ जाओ और जितना चाहो ना हो। ये क्या, अभी तक तैयार नहीं हुए? ए निताई, तू यहाँ खड़ा क्या देखता है, जल्दी से मालिश कर। मैंने तेल की मालिश पसंद नहीं। क्यों, मालिश नहीं कराते? बीरू, देखो मेरी तबीयत खराब है आज। ओह मैं समझा, तुम्हें तेल मालिश नहीं चाहिए ना? हम भी समझे। उतारो ये कमीज। उतारो, जल्दी उतारो। उतारो, उतार। अच्छा अच्छा लीजिए। खोल खोल खोल। ये लो। ये क्या खेले आलोक, जानते नहीं मेरे पास हुकुम की बेगम है? मैं कैसे जान सकता हूँ? मेरा मुंह देखते। ए भैया, क्या क्या करते हो?
क्या? चोरी क्यों करते हो? चोरी किसने की? देखो हार गई ना, हारने पर शोर मचाने की इसकी आदत बहुत पुरानी है। बस अब नहीं बोलूंगी, तुम भी चोरी मत करना। अच्छा चोरी एकदम बंद, चल खेला गया। भैया और कितनी देर खेलोगे, बाहर नहीं जाना? हाँ जा तू जा, ए जल्दी करो। हाँ जल्दी करो। जानते हो सहदेव, कल सवेरे पिकनिक को जाना है। मेरा जाना तो मुश्किल है भाई। क्यों? मुझे कल शहर जाना होगा। लेकिन यहाँ तो सारा प्रोग्राम बनाया है। जानते हो भैया, इसे पहचाना नहीं, अपना घना है। घना, तू इतना बड़ा हो गया? तुम भी तो बड़े हो गए भैया। आलोक जी, पीरेश आओ अब चलें, तुम देर क्यों कर रहे हो, बस चलते। अच्छा
आपका पान ये रहा। आलोक जी क्या हुआ है? बिरेश कहाँ है? वो तो कानू को कहानी सुना रहा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या? ये क्या, ये क्या, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? आलू जी छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? देखते हो, जाओ यहां से। कहाँ भागते हो? घना मुझे छोड़ दो। इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी यूं आराम से निकल जाओ और मैं तुम्हें खड़ा देखता रहूं। घना भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं, इसे नहीं छोड़ूंगा। घना चलो, तुम्हारे पांव पड़ता हूं। घना चोर की तरफ भाग रहा था। इसे जाने दो घना। क्या? हाँ, अच्छा, तो फिर क्या? बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। अच्छा, समझा। गई कहाँ से? बापरे 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 बापरे, इस क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? चलो, चोर के तो एक दिन साथ का, समझ जाओ। येलो मार। खूब चाल चली। आज एक खबर लाया हूं जो सुनते ही आप झूम उठेंगे बड़े बाबू। क्या बात है बोलो तो? नायब अनंत सेन। अनंत सेन? उसकी गुणवती बेटी तारा सुंदर। हाँ, क्या हुआ? कल रात उससे बहुत कुछ झपटा झपटी हुई। मगर वो किससे? कलकत्ता से आया है वो, बीरेश का दोस्त। सारे गांव में ये बात फैल गई है।
तो मेरी किस्मत खुली समझो। जी क्या? नहीं कुछ नहीं, आज मुझे मोहब्बत का गम गलत करने के लिए तारा सुंदरी को भूलकर किसी अप्सरा का सहारा लेना होगा, समझे? समझा, लेकिन मुझे आज्ञा दीजिए हुजूर, अब बीवी घर पर इंतजार में होगी। नमस्कार साहब। अच्छा तो जा सकते हो। राम सिंह, जीते रहो बेटा। बस तुम अच्छे रहो, जाते ही चिट्ठी देना। उस रात की वो घटना दीवार फांद कर कैसे फैल गई समझ में नहीं आता। खैर कलकत्ता जाकर उस लड़के से कुछ न कहना। मगर क्यों? यही बेहतर है। जो काली करतूत हो चुकी है उसे वहां तो फैलाया जाए। मगर इतना बड़ा जुल्म करके वो भला निकल जाए और मैं? तुम ही तो उसे साथ लेकर यहां आए थे। तुम्हें दोष नहीं देता, जो होना था वो तो हो चुका है। खैर अब तो यही है कि हम उसके लिए वर ढूंढें और बस उसकी शादी कर दें। तुम भी वहां जाकर ध्यान रखो, जल्दी से उसे ब्याह देना होगा। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मुझसे नहीं बोलोगी? बहन जो मुसीबत तुम पर आ जाई है माफ कर दो मुझे। क्या है आज के दिन तो तुम यूं ना करो, समझी ना? तैयार है? हो गई है। उन्हें जल्दी है, आओ बेटी आओ। बड़े बाबू हजूर आपके लिए मैं क्या करूं? क्या हुआ तारा का? अजी कुछ हुआ नहीं, अभी तो बस होने वाला है सरकार। क्या माने? माने यही कि कतली पाला की नियोगी बाबू के सबसे छोटे लड़के से ब्याह की बातचीत बस पक्की है, पक्की। सिर्फ दिन तय करना बाकी है। ऐसा है? अजी हाँ। क्या बोलू मालिक, मुझे अगर कुछ दिन पहले इसका पता होता तो मैं उस कलंकिनी से जिस पर सब थूकते हैं वो आपकी चहेती नहीं वो माशूका नहीं। गडक बाबू जी, वो कलंकिनी है इसीलिए
वो मेरे पहलू में होगी। बात तो ठीक है। क्या बोले? नहीं नहीं वो हमने भी तो कम पाप नहीं किया है और वो तो कलंकिनी है ही। हाँ हुजूर, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है तुम्हारा। सुनो, आगे बताइए। कच्ची चीज को जैसे पकाया जाता है, कच्ची चीज को जैसे पकाया जाता है, पक्की की हुई बात थोड़ी जा सकती है। क्या समझे? अभी जाओ, अभी जाओ। पहले वर का नाम, गांव और पता सब लेकर यहाँ आओ, और फिर तुम्हें जैसे भी कहूँ वैसे ही करना। जी जी, समझ गए? समझा। अच्छा तो खड़े कर। समझा जी, आता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ। क्या हुआ जी? लड़के के बाप को तो तारा बहुत ही पसंद है, अब दिन तय होना बाकी है। दुर्गा दुर्गा, अब तो शादी का शुभ काम हो ही जाए तो अच्छा है। बाबूजी, क्या है? घटक बाबू आए हैं। घटक बाबू आए हैं? अभी आता हूँ। घटक बाबू आए हैं, कोई अच्छी खबर लेकर आए होंगे, जाके देखूं। क्या खबर है घटक बाबू? नमस्कार। नमस्कार। ये लीजिए चिट्ठी। चिट्ठी? जी हाँ। अजी किसी ने भला बुरा कहा होगा, नहीं तो ये हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ऐसा क्यों हुआ? यह मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि ये किसने किया, पर उसे आप कोई सजा नहीं दे सकते। वो भूल जाओ, उस जगह तो अब कुछ नहीं होने वाला। पूजा होने के बाद कोई दूसरा लड़का देखना होगा। वही ठीक है। आ रहा है? देखो वीरेश की चिट्ठी आई है, वो पूजा पर नहीं पहुंचेगा। घनश्याम, लो मां को ये चिट्ठी दो। जी अच्छा। मां, मां क्या है? ये भाई साहब की चिट्ठी है। घनश्याम जी, बाबूजी कहाँ हैं? वो दफ्तर में हैं। चक्रवर्ती बाबू कहिए। ये ढाका, बारिसाल और कलकत्ता की अच्छी नाटक कंपनियों की सब चिट्ठियां हैं, जरा इन्हें देखो। और तुम ये भूले नहीं होगे कि गए बरस हरिदास का कीर्तन भी तो खूब जम गया था। जी हाँ, खूब जमा था वो। जी हाँ। अच्छा तुम एक काम करो, अब इस साल उस उमा शंकर की धूप नाच मंडली को एक चिट्ठी लिख दो। अच्छा अच्छा। ऐसे तू कब तक चुप करके बैठी रहेगी? ओ माँ, मन ही नहीं लगता माँ। लेकिन इतना काम कैसे खत्म होगा बोलो, इतना तो समय नहीं बेटी। करना क्या है माँ? तू तो सब कुछ जानती है, हमेशा जो करती आई है। नहीं माँ,
घर के बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। जो कहा तुमने यही कर दूंगी मैं, बाहर जाकर काम करने को ना कहो। पूजा है ना बेटी, तू घर में इस तरह से चुप करके बैठेगी तो सबके लिए खराब है। देखो अपनी हालत क्या कर ली है तूने। चलो बेटी आओ, सौ तो काम पड़े हैं अभी। आओ मेरी बेटी, चलो आओ। ए, ऊपर क्या आते हो? चलो नीचे जाओ। माँ, पूजा के सारे बर्तन मंगवाए। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। अच्छा माँ, ढोलियों को खाना चाहिए। उफ, थक गई बाबा, आओ मेरे साथ। तारा तू उधर जाकर बैठ, मैं अभी आती हूँ। आओ सब ठीक हो गया है ना? ठीक ही लगता है यूं तो। ओहो चक्रवर्ती बाबू, जमींदार साहब ने लिखा है अब की पूजा में नहीं पधारेंगे। देखो भाई, पूजा में किसी तरह की कोई कमी ना हो। जी अच्छा। घनादा, घनंदा आजकल बाहर नहीं जाते? नहीं। क्यों? मन नहीं करता। सुनो घनंदा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तुम्हारा कोई ऐसा काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। सच बात है? हाँ। तो मुझे एक रत्ती भर जहर ला दोगे कहीं से? नहीं, ये मुमकिन नहीं। लेकिन अब मुझे सहा नहीं जाता। जो मुझे अच्छा ना लगे तुम्हें लगेगा? नहीं। तो फिर? अच्छा ले आता। ले आए? हाँ। दो। महाराज, लड़की की चिंता है बस, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं। भगवान के लिए कुछ कीजिए। तुम धीरज रखो बेटी, महामाया माता के आशीर्वाद से लड़की का सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं गुरु महाराज, मैंने मन्नत मांगी है, महाअष्टमी के दिन बकरी के दो बच्चों की बलि चढ़ाऊंगी। तुम घबराओ ना बेटी, हम सब बंदोबस्त कर देंगे। हाँ गुरु महाराज, ठीक हो जाएगा।
आजा आजा, तू उधर बैठ जा। तू आजा। आओ आओ, यहाँ बैठो सब। आते क्या बोल रहा है? तो सब भर गया। होगी ना, थोड़ा सा सरक कर बैठो। उठो ना बेटी, उठो। आप जरा सरक कर बैठिए ना, थोड़ी सी जगह दीजिए। जा जा, जरा उधर खड़ी हो जा। के लिए पूछ रही हो? हाँ हाँ, वही तो हर साल सबको बिठाती थी। उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं। लेकिन उसे क्या बीमारी है? डॉक्टर को नहीं दिखाया? बेहतर होगा डॉक्टर को फौरन दिखा दो। डॉक्टर से क्या होता है बहन, लेडी डॉक्टर देखेगी उसे। ये सब आप क्या बक रही हैं? ठीक ही है, ये सब तुम लोगों की बकवास है। ऐसी बात जब होती है तो माँ को ही सबसे पहले पता चलता है, ठीक है ना दीदी? आगे आगे देखना तुम, कैसा सामान आता है। तुझे क्या हुआ है बोल कलमुही? चुप सादे, तू तो यहाँ अंदर बैठी रहती है और तेरे लिए मुझे लोगों की तरह तरह की बातें सुनना पड़ती है। क्यों क्यों क्यों? उसने जो कुछ कहा भूल जाइए, वो है ही ऐसी। किसने बकवास की है माँ से? वो सब कुछ जानना तुम्हारा काम नहीं, रोहिणी है ही ऐसी। माँ से तुमने क्या बोला है? मैं तो यही बोली, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, सो तुम्हारा जरा हाल पूछ लिया। इतनी हमदर्दी हमसे तुम्हें क्यों अचानक हो गई? सुनो बात इसकी, कभी अपना बीमार हो जाए तो खबर लेना गुनाह है। देखो तुम्हें मैं जानती हूँ, तुम कभी सीधी बात तो नहीं करती हो, लेकिन तुमसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के दिन भी तुम्हारी जबान से कुछ अच्छी बातें नहीं निकल सकती है। क्या क्या बोला? अच्छी बातें? गांव में तुम जो जी चाहे वो करती फिरो, उस पर भी तुम्हें कोई कुछ भी न कहे। तुम्हारे से और बात नहीं करना चाहती हूँ। अगर तुम जानती हो कि मैं बुरी हूँ तो क्यों आई हमारे घर पर? ये तुम्हारा घर नहीं, जमींदार का घर है। देखो मेरा बाप है उस जमींदार का नायब, यहाँ आने वाला इसे हमारा ही घर समझता है, और मेरी माँ का जो अपमान करे वो यहाँ नहीं आ सकता। सुन ली बकवास इसकी, हम सब यहाँ भी बैठे रहेंगे इतना अपमान होने पर भी? चलो चलो सब। क्या हुआ, ऐसा क्यों करती हो? क्या हुआ?
जब मान के बाद भी मैं जिंदा हूँ। लेकिन कुछ बताओ तो, देखो ओहो, अब मेरी बात तो सुनो। देखो बताओ ना किसने किया अपमान, मैं उसका खून पी लूंगा। बोलो मेरी रानी, बोलो बोलो। वो कल की छोकरी मुझसे पर लग गए, वो सबके सामने मुझसे बोली निकल जाओ घर से। क्या ये हिम्मत, किसने हिम्मत की है? सबके सामने मेरा अपमान, घर बुला के अपमान। ये बात नायक के घर पर। सुनो रो मत, तुम सर चुप करो, आज की रात जैसे भी हो काट लो, कल सवेरे ही देखना इसका बदला ना लिया मैंने। नायब साहब क्या समझते हैं आप, जमींदार के नायब होने की वजह से तुम्हारी बेटी को मेरी बीवी का अपमान करने का क्या हक है? ओ यूं ही इतना तैश न खाओ, बैठो बात क्या? ये तो तुम्हें खुद जानना चाहिए था, कल रात को तुम्हारी बेटी ने मेरी पत्नी और दूसरी बहुत सी औरतों का अपमान किया है। अगर उसे फौरन सजा नहीं मिली तो कोई तुम्हारे घर पर दावत पर नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। देखो राय साहब, जब तक पूरी बात न सुनूं कैसे बोलूंगा? तो भी इन पूजा के दिनों में तो ऐसी बातें ठीक नहीं है जिससे आपस में बैर हो जाए। फिर भी अपनी बेटी से जरूर पूछूंगा, और अगर उससे कोई गलती हुई होगी तो वो तुम्हारे घर आएगी और मौसी से क्षमा मांग लेगी। ये होगा नहीं, इंसाफ पंचायत में होगा। क्यों भाइयों, सबके सामने से क्षमा मांगनी होगी। जरूर। ये तो नहीं होगा भैया, क्योंकि ये जाति मामला है, समाज ही नहीं। ओह, तो आप राजी नहीं है? नहीं। देखो राय साहब, अगर जानबूझकर कोई गड़बड़ करना चाहते हो तो फिर शौक से दिल खुश कर लो। अच्छा देखा जाएगा, तुम भी क्या याद करोगे। मन को एकाग्र करो बेटी, सूरजमुखी का फूल देखा है ना, जिस प्रकार सूरजमुखी का फूल सदा ही केवल सूरज की ओर देखता है, उसी प्रकार तुम भी मन को एकाग्र करो और उसे देवी की ओर लगाओ। बोलो हे देवी, मेरे तन मन पर अपनी पवित्र दृष्टि की आज वर्षा कर दो। स्वीकार नहीं हुई। गुरु महाराज ये क्या हुआ, ये तो सर्वनाश हुआ। गुरु महाराज अजी ये तो पहले से ही जानते थे हम, पाप जो आ गया है नायब के घर में बहुत बड़ा पाप। नहीं नहीं ये मेरी ही कोई भूल है, ये तो मेरा ही कोई दोष है। नहीं नहीं गुरु महाराज, आप हैं सात्विक ब्राह्मण, आपको हम इतने दिनों से जानते हैं, आपका कोई दोष नहीं। दोष की जड़ वहां है, और वो भी दोष नहीं पाप। और किसका पाप ये आप जानना चाहें तो पूछिए यजमान से। ये आप क्या बात कर रहे हैं राय साहब? उसकी लाडली बेटी जो वहां बैठी है उसके किस्से एक बार सुनो, पूछो नायब से, अगर जरूरत है तो बोलो। जगदीश ऐसे मुझे क्या डराते हो नायब साहब, गुर्राने से बेटी की काली करतूतें चुप नहीं सकती। जमींदार के नायब होने का ये मतलब नहीं कि तुम जो चाहे करो, तुम्हें तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं, लेकिन हमें तो है। इससे पूछे गुरु महाराज। जगदीश इससे पूछे, रात रात वो छोकरा चुपके से क्यों भाग गया, इसकी बेटी के साथ क्या हुआ? खबरदार जगदीश बाबू, मुंह से बाल के बात करो। तुम्हारी ये जुर्रत, अरे देखते क्या हो। Come on.
नहीं बाबा, जी सर। देखो खून की तफ्तीश के लिए लाश सदर थाने में भेजी है, कड़ा पहरा रखो। हाँ सर। नायब साहब, आपको इसी वक्त थाना चलना होगा। क्यों बाबूजी, क्यों जाएं थाने पर? अपराध चूंकि इस जगह हुआ है, इन्हें थाना जाना ही होगा। ए, लगाओ थोड़ी। ले जाओ। नहीं नहीं, मेरे बेटे का दोष नहीं, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। थाना दीदी, बाबा वापस आ गए हैं। क्या हुआ बोलो ना। दारोगा बाबू से इतना संबंध रखने के बावजूद वो बिल्कुल बदल गया है। फिर नहीं ना थाने में जाना होगा? नहीं, उस खून के संबंध में मुझे तो रिहा किया है। और घना? घना के बारे में वो अभी कुछ कह नहीं सका, तो भी कोशिश करूंगा, ऐसा बोला है वो। बाबू। कहो चक्रवर्ती बाबू। कल की पूजा के बारे में? चक्रवर्ती बाबू, पूजा के बारे में तुम्हारा जो मन चाहे वही करो, उसके लिए मुझे परेशान मत करो। तारा जा बेटी, ये नाश्ता जरा अपने पिताजी को दिया जा ना। अपने अफसर को साफ बोल दो कि उसका जो जलील इरादा है अनंत सेन उस पर थूकता नहीं। तुम्हारी दया की जरूरत नहीं, मैं खुशरंद होता हूँ। हथकड़ी लगाओ मुझे और उसके साथ वो मोटा रस्सा। देखिए नायब साहब, आपको कोई मशवरा देना तो मैं नहीं चाहता, तो भी ये जरूर कहूंगा कि आप इस वक्त अपना दिमाग ठंडा रखिए। हमारे बादल बाबू बेशक तारा से कुछ बड़े ही हैं और आपकी बेटी भी उम्र में कुछ कम नहीं है। फिर क्या अर्ज है? खामोश। अब तुम चलते बनो। अच्छी बात है, लेकिन आप भी ये बात बड़े ठंडे मन से सोचिए, क्योंकि केस वैसे ही चलेगा जिस तरह आप चलेंगे, यानी तारा के लिए हां कहते हैं या ना कहते हैं। अच्छा मैं चला। Thank you.
गौतम। हाँ, एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बच्चों, आप मुझसे ब्याह करना चाहते हैं? यही तो मेरी ख्वाहिश है। आपकी ख्वाहिश अगर पूरी कर दूं? तुम्हारा बाप तो मुझसे ना कह चुका है। पता है, तो भी एक शर्त पर तैयार हूं। क्या है वो? रिपोर्ट आप कुछ ऐसी बनाइए कि बाबा पर कोई हर्फ ना आए। ये कुछ मुश्किल नहीं होगा, तुम इसकी कोई फिक्र ना करो। एक चीज और है, घनश्याम को छोड़ देना होगा। क्या हुआ, कुछ बोलते नहीं? हाँ, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन एक दो महीने में मेरी कस्बे से तब्दीली हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बस ब्याह का दिन तय करके बाबा से कहिए। ये क्या, छोड़ो छोड़ो। छोड़ो छोड़ो। कुछ बात है? हाँ कहो। आप ना मत बोलिए बाबा, उससे मुझे प्यार दो। पर किससे? वही दरोगा के साथ। लेकिन तू मुझसे आधी रात को यही कहने आई है? उसे वादा किया है। वादा किया है? छी 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 छी, तेरी शक्ल देखना भी पाप है। उस शराबी कबाबी आवारा दरोगा से वादा किया है, और वादा करने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। तुम क्या स्वयंवर चाह रही हो? ऐसा क्यों किया बेटी? इससे तो मर जाना भला था। क्या कहूं बाबा, क्या कहूं बाबा, क्या कहूं? दूरे ये मन डोले भोले क्या रे कोई जाने, जल भरा मेघ ये दिल के प्यासा, ये मन सुने ये मन वो हीरे गाए। बंधु रे ये मन डोले बोले क्या रे कोई जाने, जल भरा मेघ ये दिल के प्यासा, ये मन सुने ये मन वो हीरे गाए। बंधु रे मन डोले बोले क्या रे कोई जाने, जल भरा मेघ ये दिल के प्यासा, ये मन सुने ये मन वो हीरे गाए। बंदूरे कहाँ हो तारा, कहाँ चली गई? इतनी देर से कहां थी? आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी मैं। रखो वो नाश्ता अपने पास, उसका मुझे शौक नहीं। खा लीजिए फिर भी। सुनो,
एक बात का जवाब दोगी? मैं तुम्हें कैसा लगता हूं बताओ तो? क्या कुछ कहती नहीं? ब्याह तो हो चुका है तो इन बातों का क्या मतलब? चैटर्जी। यस सर। बल्लभपुर मर्डर केस की फाइल ला कर दो। हरी, बीबी जी को बाजार से सौदा ला दो। ए, मेरा रास्ता छोड़ दे। मैं ही छोड़ता नहीं। यद के सामने से एक तरफ हट जा। नहीं, जरा थाने से बड़े साहब आले तो तुम्हें जेल पहुंचा कर हटूंगा। देखो ये बात बहुत बुरी है। और आम चोरी करना बुरा नहीं। हरी, क्या हुआ है? देखिए ना बीबी जी, ये लड़की रोज रोज कच्चे आम तोड़ कर ले जाती है। अच्छा तुम चले जाओ। देखो ना, दो आम तोड़ लिए और वो क्या कुछ कह रहा था। जाने दो, तुम रोज आम ले जाया करो। आओ मेरे साथ। बैठो ना। अच्छा देखूं तुम्हारे आम, आप खाएंगी? नमक चाहिए ना? नहीं, नमक मेरे पास है। आम खाने के लिए तैयारी तो पूरी की है तुमने। घर में सब सोए होंगे और तुम चुपके से आम तोड़ने भाग आई हो, है ना? मेरा नाम क्या? बिंदु। कहाँ रहती हो तुम? वो मोड़ वाली बिल्डिंग नहीं है, मैं वहीं रहती हूँ। अच्छा, तब तो यहाँ रोज आया करो। हाँ, गपशप के लिए। आप तो यहाँ नई ही है ना? हाँ। पहले कहाँ थी? गांव में, अपने बाबा के घर। वहाँ कौन कौन है? बाबा, माँ, भाई, बहन। सुनो, आम क्यों नहीं खाती? खाइए ना। ये वादा तो कितनी दफे कर चुके हो बदमाश। माफ करो, माफ करो, माफ करो। उठे बैठे करो। फिर कभी ऐसा किया तो हाथ पांव तोड़ दूंगा। अरे ले जाओ इसे, जाओ। आपकी चाय। चाय। डॉक्टर साहब बोलते हैं जो धीरे धीरे ना घटाई तो जिगर की खराबी है। अरे गोली मारो अपने डॉक्टर को। छोटा था तो घर वाले थे, उठना बैठना मना, और अब यहां है डॉक्टर। अच्छा मैं तो जरा बाहर जा रहा हूं। आज के दिन से उस जगह ना जाइए ना। उस जगह मतलब कौन सी जगह कहती हो? वही हर रोज की। सब कुछ जानती हो तो कहती क्यों? अच्छा वहां किसी बात? आपके इस घर में नहीं? नहीं वो बात नहीं। क्यों? ये इसका कोई जवाब नहीं। हर आदमी सब काम नहीं कर सकता। कोशिश तो कर सकती हूं मैं। कोशिश वोशिश बेकार है। मान लो मैं तुमसे कहूं मैं शिव की तरह लेट जाता हूं और तुम महाकाली होकर मेरे सीने पर खड़ी हो जाओ, बिल्कुल महाकाली होगा ये? छी। ये देखो उनकी और बात है और तुम्हारी और। बस रहने दो और बातें। कुछ मधुर बातों से बहला सकती हो मन को? तुम्हारे ख्याल में तो वो घटिया है। उनकी तरह तुमसे एक भी बात नहीं होगी। उनकी तो बात ही कुछ और है। अच्छा
जरा पीकर देखो। फर्क देखा? उनके साथ तुम्हारा मुकाबला क्या है? उनसे जो मिल सकता है तुमसे नहीं मिल सकता, समझी? जागती बैठी हो? आई बड़ी परिव्रत बीवी। आ गया साहब। पानी दो, पानी। कहाँ मरे यो? लीजिए। जाती कहाँ हो? मुझे पसंद नहीं करती ना? सदी बना देखा दियो मुझे। ओ, क्या भूल गई थी उस वक्त? ब्याह कर लिया, नायब साहब से लड़की की जगह नगदी लेना चाहिए थी। ओ,
ऐसी खोई सी क्या पड़ती हो दीदी? बाबा की चिट्ठी। आज तुम्हें देर क्यों हुई? वाह रे माँ, जब तक ना सोए कैसे आऊं? देखो दीदी, दोपहर को बाहर जाना बंद हो चुका है। तो फिर आई क्यों? वाह रे, तुम्हें एक बार ना देखूं तो मन नहीं लगता। माँ को जो पता चले, माँ जानेगी भी कैसे? क्या लिखा है तुम्हारे बाबा ने? बाबा की हार्ट ट्रबल बढ़ गई है, वो ज्यादा बीमार है। तो जाओगी नहीं? देखती हूँ इनसे बात करके। मैं अब चली दीदी। मौसी, एक और नई चिड़िया। अब फिर नए जोखिम में डाल रहे हो बड़े बाबू। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भय नहीं, ये काम तुम्हें करना ही होगा मौसी। अरे तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? हाँ मालूम है, आपकी कहीं नजर पड़ी होगी। ये सब कुछ जानती हो तो फिर भला चिंता क्यों करती हो? सब बंदोबस्त मैं करूंगा। सुनो, तुम वृंदावन को कल शाम के वक्त थाने के सामने भेज देना। चरण जी बुलाया है? हाँ। सुनो, खून की तफ्तीश के लिए तुम ही बल्लभपुर चले जाओ। मैं ही जाता लेकिन अब एक और जरूरी केस की वजह से मेरा जाना मुश्किल है। तुम ही ये पूरी रिपोर्ट तैयार करो, आज और कोई काम नहीं है। ठीक है हजूर। लो जाओ साहब को दे दो, और एक काम करो धोबी के पास जाओ, 8 दिन हो गए आया नहीं। प्यारी बिंदु, मुझे अचानक बाबा के पास जाना पड़ गया है। जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम फौरन ये पत्र देने वाली के साथ चली आओ। तुम्हारी तारा। यहाँ क्या कर रही हो? आज आप बाहर मत जाइए। क्यों? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी? बस हटो। नहीं। ठीक, बताता हूं तुम्हें अभी। ये हिम्मत तुम्हारी? हटो, बस छोड़ो मेरे पांव। आपके पांव पड़ती हूं, आज आप ना जाइए ना। क्या बकबक शुरू कर दी, छोड़ दो मुझे। नहीं, आप आज जो तबाही करना चाहते हैं मैं हरगिज नहीं करने दूंगी। कैसी तबाही? वही, मैं चिट्ठी पढ़ चुकी। बिंदु बेचारी को बहकाकर उसका जीवन आप तबाह क्यों करना चाहते हैं? देखो, बादल दारोगा को ऐसी धमकी ना दो तारा। इतनी जुर्रत तुम्हारी? देखो, तुम्हारा चरित्र मैं जानता हूँ। क्या बोलते हैं आप? ठीक बात है, सती का ढोंग न रचाओ, वो तुम्हें शोभा नहीं देगा।
असल में तुम बाजारी औरतों से भी जलील हो। मैं तो जलील, लेकिन बिंदु का तो कोई दोष नहीं है। दूसरों की तुम्हें क्या पड़ी है, हट जा जलील। नहीं नहीं हटती। नहीं 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 दूर हट। नहीं चल हट। अब वो कैसे हैं? वैसे तो ठीक हैं, तो अभी डॉक्टर साहब तो कुछ चिंता में ही हैं। क्यों? उन्हें बचाने के लिए खून की जरूरत है। मैं खून दे दूंगी, वहां ले चलो मुझे। अच्छा, कब तक होश में ला सकते हो? अभी तो कुछ बोल नहीं सकता, काफी उलझन सी है। उसका किसी तरह से डिक्लेरेशन होता तो बेहतर होता। अच्छा, क्यों आपने उसे अरेस्ट किया है? नहीं नहीं, अरेस्ट तो नहीं किया था, उसने खुद ही थाने में आकर स्टेटमेंट दी थी। तो उसकी कोई बात ना मानिएगा, पति के कलंक छुपाने के लिए पतिव्रता पत्नी जो करती है वही तो किया है उसने, उसका कोई अपराध नहीं। उसे एक बार मेरे पास भेजेंगे सर। अच्छा, मैं देखूंगा। जाइए आप अंदर। बैठो। आप लोग जरा बाहर जाइए, इससे मुझे कुछ कहना है। लेकिन आपको हम अकेले भी तो। आप बताइए कि बाहर जाते हैं या नहीं। बैठो। पुलिस से जाकर क्या कुछ बोला है? जो सच है वही बोला है। नहीं, तुम्हें अपना बयान बदलना होगा। बोलना, तुम सो रही थी, अचानक चीख सुनी और दौड़ कर गई, तुम्हारा पति आंगन में पड़ा था। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। और अगर सच बोला तो उपकार होगा क्या? मत समझो कि मरने से पहले तुम्हारे लिए मेरी प्रेम की गंगा उठाई है। नॉनसेंस। बादल गुप्ता ने कभी अपने सिवा किसी से प्रेम नहीं किया, ये क्यों कहना पड़ा है? उसका कुछ कारण है। जीवन में किसी के आगे मैं नहीं झुका। हार किसे कहते हैं मैं जानता ही नहीं। आखिर लोग बोलेंगे बेपरवाह बादल दारोगा, आखिर मरा भी तो बहुत जलील होकर अपनी बीवी के हाथों। इसी ख्याल से ही जानती हो दिल में कैसी जलन होती है।
तारा, तो इस जिल्लत से तुम ही मुझे बचाओ। तुम बोलना, तुम नहीं जानती किसने मारा। बोलो बोलो बोलोगी बोलोगी ना? सच्चो था वो, मैं बोल चुकी और कुछ नहीं बोल सकती। बीबी जी खाना खा लीजिए। टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, आइस बैग फौरन ले आओ। मिसेस गुप्ता, मिसेस गुप्ता, बहुत बुरी खबर है। वो मर गए हैं। मिसेस गुप्ता, हमें ये खबर आई है, आपके पति के खून का इल्जाम आप पर लगाया गया है। आपको कल ही सदर थाना ले जाएंगे। एक चीज और है, आप जरा बाहर आइए। बाबा, उनकी सेहत तो पहले ही ठीक नहीं थी, मैंने तुम्हें यह खबर दे दी थी, न जाने क्या हो गया, बहुत कमजोर हो गई। जरा सुनो, हम जमानत की कोशिश में हैं, अभी तो यह वकालतनामा जरा साइन कर दो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। भैया, मेरे लिए तुम में से कोई भी फिक्र ना करे। ये क्या बोलती हो तारा? भला बाबा होते तो क्या ऐसा बोल सकती थी? मैंने कहा ना, मेरे लिए कोई भी कष्ट ना उठाए। कभी ऐसे दिन की कल्पना भी नहीं थी। कनाडा का क्या हाल है? अब कौन जाने कि वो कैसा है। वो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। बहुत दूर कहाँ? अंडमान। उसको उम्र कैद की सजा हो गई है बेटी,
यही मेरा भाग्य था क्या? हे भगवान, क्यों ऐसा हुआ? आखिर क्यों? मैं चला बेटी, हाँ मैं चला। मैं अपने पति से प्यार न कर सकी, एक पति के नाते सिर्फ उसे समझाना चाहा। मैंने ये कोशिश की थी कि वो उस दिन एक मासूम जिंदगी तबाह न करे। मैंने उसे पति से रोकना चाहा था, विश्वास कीजिए मैंने उसे मारना नहीं चाहा। लेकिन ये खून कैसे हो गया ये तो आज भी मुझे पता नहीं। सबसे बड़ा दुख तो मुझे यही होता है कि उस दिन खाना ने मेरा अपमान बर्दाश्त न करके अपना सारा जीवन ही बर्बाद कर लिया और मैं उस बेचारे के लिए कुछ भी न कर पाई। उसके लिए मुझे अंदमान जाना होगा। जेलर साहब आप सब बंदोबस्त कर दीजिए, बताइए आप मेरे जाने का इंतजाम कर देंगे? बोलिए बोलिए। अच्छा, अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा, जरूर करूंगा। जाओ तुम अपने वार्ड में जाओ। मुझे अंदमान जाने की इजाजत मिल गई। मैं अनगिनत आशाएं और सपने लिए जहाज में सवार हुई। रास्ते भर मुझे एक ही ख्याल था, क्या मैं उससे मिलूंगी, उसे देखूंगी, हम मिल सकेंगे? It, speak up. I want to talk yes. to you, but I can't. Speak up. But I can't speak in. बेशक बोलो हिंदी में जो भी हो. What do you want? मैं कैदी से मिलना चाहती हूँ. तुम्हारा नाम क्या है? तारा गुप्ता. उस कैदी के साथ तुम्हारा क्या संबंध? कोई संबंध तो नहीं. फिर तो तुम उससे नहीं मिल पाओगी. साहब मुझ पर दया कीजिए साहब, मैं यहाँ आई हूँ. This is against the rules. साहब मैं इसीलिए आई हूँ. कोशिश करो, आप सुनिए तो. साहब मुझ पर दया करो. साहब साहब आप सुनो तो. एक बार सुनो, एक बार सुनो, एक बार सुनो तो. एक बार बस. Yes sir. You know this lady outside? Yes. Better get me a paper this evening. Right. आपने सब कुछ सुन लिया ना? क्या उसे अब देख सकूंगी मैं साहब? मैं ये नहीं भूल सकती साहब, वो यहां क्यों आया है? तुम्हारे दुख को मैं समझ गया हूं, लेकिन अब सब कुछ मुनहसर है तुम्हारे और घनश्याम के ऊपर।
कैसे साहब? यहाँ जेल में कुछ अरसा रखने के बाद कैदियों को बाहर रहने की इजाजत दी जाती है। Then if the men and women want, we help them to get married and settle down. घनश्याम आजकल जेल से बाहर है। वो कहाँ होगा? और मैं कैसे मिल सकूंगी भला? जब वक्त आएगा मिलोगी। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड पढ़ा, तुम्हारी कहानी भी सुन ली, फिर भी तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। पूछिए। घनश्याम एक बार मिल ले तो वापस चली जाओगी? नहीं साहब, मुझे तो यही रहना है। वो तो होगा नहीं। You have been sent here temporarily. घनश्याम अगर तुम्हारा जिम्मा ले तो ही तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत मिलेगी, वरना तुम्हें अगले ही जहाज से वापस जाना होगा। नहीं साहब, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम चाहते हुए भी यहाँ नहीं रह सकती तारा। अगर रहना चाहती हो तो एक काम करो, घनश्याम के साथ ब्याह कर लो। ब्याह? मैं तो विधवा। तो फिर तुम्हें यहाँ से वापस चला जाना होगा तारा। I cannot disobey government orders. साहब, और कोई उपाय नहीं, मैं जाकर भी क्या करूंगी? आप तो जानते हैं साहब, समाज में संसार में मेरी कोई जगह नहीं। मैंने जो पाप किया है साहब, जो पाप किया है। कौन कहता है कि तुमने पाप किया है? The fire through which you have passed, Tara, has burnt all your sins. उस आग ने तुम्हारे सब पाप जलाकर राख कर डाले। भूल जाओ अपना अतीत तारा। Forget your past. You have come to a new land, to a new life. नया देश, नया जीवन, accept it. और मैं जानता हूँ घनश्याम बहुत अच्छा आदमी है। Together both of you have a good chance of being happy. I'm sure of it. क्या चाहती हो तुम? क्या करना चाहती हो? जिंदगी भर रोती रहोगी? बोलो। मैं मजबूर हूँ साहब, मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। Well then there is nothing that I can do for you. I don't understand why did you have to come here in the first place. Why don't you understand, Tara? Why don't you understand? तुम जैसे दुर्भाग्य तो अनेक बहनों के जीवन में आता है। क्या करती हैं वो? What do they do? बहुत सी बेचारी अन्याय और अपमान सहन करके बिता देती हैं अपना सारा जीवन। कुछ जहर खा लेती हैं, कुछ फांसी लगा लेती हैं, कुछ लोभ में पड़ के तबाही को अपनाती हैं। They are the real sinners. The real sinners. असली पापी हैं वो ही। लेकिन तुम उन जैसी तो नहीं हो। आप मुझे वापस न भेजिए साहब, कुछ हो यहीं रहने दीजिए, आपके पांव पड़ती हूँ। क्यों यहाँ रहना चाहती हो तुम? जवाब दो, क्यों यहाँ रहना चाहती हो तुम? उसके लिए तुम्हारे प्राण तड़पेंगे, उसे तुम प्यार करोगी, लेकिन ब्याह करना मंजूर नहीं। क्यों? आंसर मी, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, व्हाई? हुजूर। कनादा, तुम? तुम? कनादा, तुम्हें क्या हो गया है? ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस और कुछ नहीं कहना, खत्म हो गया। तारा, ये तुम दोनों का निजी म्यूचुअल प्रॉब्लम है, इसे जैसे समझो मिलकर सेटल कर लो। मैं चलता हूं। तुम यहां? यहाँ क्यों आई? मैं क्यों आई हूँ बताऊँ? तुम्हारे लिए घनादा, तुम्हें देखना था मुझे। क्या बोलती हो तुम? मेरे लिए तो तुम्हें यहाँ आना पड़ा है, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं, मैं इसीलिए यहाँ चली आई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मेरे लिए तुम ऐसा ना करो, मैं खूब मजे में हूँ। तुम लौट जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुम पास न रख लो तो यहाँ मुझे रहने नहीं देंगे। बोलो घनादा, तुम्हें मंजूर है? बोलो। तुम अपनी जिम्मेदारी से मुझे और अपराधी ना बनाओ ना। तुम वापस जाओ। तुम? मैं वापस नहीं जाऊंगी। बोलो, तुम पास रखोगे? नहीं, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। घनादा, तुम मुझे पास नहीं रखते? नहीं। घनश्याम, तुम्हारे जेल जाने के बाद तारा की क्या दशा हुई तुम जानते हो? हाँ, बाबा की चिट्ठी आई थी। समझने की कोशिश करो घनश्याम, तुमने इनको ना अपनाया तो समाज में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। हुजूर, मैं ये करूं तो भला कैसे? ये मेरे मालिक की बेटी है और मैं इनका नौकर हूं। खुद को धोखा मत दो घनश्याम, एक बात का जवाब दो। उस दिन पूजा मंडप में जगदीश पे जो वार किया था वो क्यों? Who asked you to do it? नायब ने हुक्म दिया था, इन्होंने हुक्म दिया था?
नहीं हजूर। तो फिर तुम्हारी तो सिर्फ एक नौकर की हैसियत थी ना? हजूर, तारा का नाम बदनाम कर रहा था जगदीश बाबू। इसमें तुम्हारा क्या था? ये तो महज तुम्हारे मालिक की बेटी थी, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं। यू अटैक दैट मैन घनश्याम बिकॉज यू केयर्ड फॉर दिस गर्ल, यू लव्ड हर, इजंट इट? चुप क्यों हो, जवाब दो मुझे। हजूर, जो चाहे सजा आप दे, लेकिन जवाब नहीं दे सकता मैं, ऐसा मुझसे होगा नहीं। हजूर मैं चला, मुझे माफ कीजिए। सुन लिया? All that I can say is that I'm extremely sorry. मैं तुम्हारे लिए काफी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन अब और कोई उपाय नहीं है, तुम्हें वापस जाना होगा तारा। साहब, वापस मैं नहीं जाऊंगी। साहब, मैं किसी तरह वापस नहीं जाऊंगी। साहब, आपके पांव पड़ती हूँ। साहब, साहब, आपके पांव पड़ती हूँ। साहब, साहब, मैं वापस नहीं जाऊंगी। नहीं, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। साहब, मैं वापस नहीं जाऊंगी। नहीं, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। Though the MPs obeyed the party whip and तारा गुप्ता भाग गई। तारा गुप्ता भाग गई? यस सर। थ्रो ए कॉर्डन ऑल अराउंड इमीडिएटली और वॉच टावर को इन्फॉर्म कर दो। आई वांट ए नाइट एंड डे विजिल ऑल ओवर, समझे? यस। तारा गुप्ता भाग गई। नो यू प्लग दैट गैप, सेंड मोर मैन। हां, और आदमी भेजो। सी टू इट दैट नोबडी एक्स, यस यस, सी टू इट दैट नोबडी एस्केप्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड। Can't wait, we can't wait, we've got to get it to move fast.
Well, I am not interested in the reason, Inspector. The point is that we have not yet found the girl. It's hopeless, utterly hopeless. That's all. मैं जानता था तुम आओगे। But why have you come here? What for? Go away because I don't like you anymore. जो मुझे क्षमा कीजिए, बड़ी भूल हो गई। मैं उसे समझ नहीं पाया। उसका खानदान भी कितना ऊंचा, कितना बड़ा। मैं उसका सपना भी नहीं देख सकता। सो दूर रहना चाहता था मैं। हजूर, ये अब कथा सुनाने से क्या फायदा? हजूर, उसे हर जगह खोजा, कोई पता नहीं चलता। मालूम होता है वो जिंदा नहीं। वो बच जाती तो तुम क्या करते घनश्याम? अपने सब संस्कार, अपने सब बंधन तोड़ देता और उसे वापस ले आता। मैं आप ही कहिए वो कहाँ है। बोलिए बोलिए हजूर, वो कहाँ है? तुम ही जिम्मेदार हो इसके, इसलिए खुद जाके ढूंढो कि वो कहाँ है। घनश्याम, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। वी आर ट्राइंग योर बेस्ट। तुम फिर से जाओ, उसे तलाश करो। गरीब तुम्हें संभाल नहीं सका, पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया?